हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप देख रहे हैं स्वर आला म्यूजिक। अभी जो आपने धुन सुना है, ये धुन ताल कहरवा पर है और राग कौन सा है आप शायद समझ ही गए होंगे। इतना तो आपको सभी को मालूम रहता है स्वरों के हिसाब से। इसमें सारे गा पा धा सा ये स्वर मैंने प्रयोग किए हैं। कोमल गा नहीं है, गा शुद्ध है, तो ये राग भूपाली है। राग भूपाली की यही पहचान है, सारे गा पा धा पा गरे धा प गरे सा, सारे गा प धा सा द प गरे सा। यही औड़ब जाति का सारे गा प धा सा, यही स्वर प्रयोग होते हैं। और मैंने इसको रे तक लिया है, तार सब तक के रे तक, सारे गा प धा सा रे। इतने में धुन है, धुन बन जाती है। ताल कहरवा बजाया जिसका टेम्पो 160 BPM है। बहुत सुंदर धुन है, आप इसी को बजाना सीखें, आपके बहुत काम आएगा। यदि आप राग या ठाट बजाते हैं तो उसमें कंसर्न जो, यदि आपको धुन पता है किसी राग की, तो उससे आसानी हो जाती है बजाना। तो यदि आप राग भोपाली पर आधारित कोई भजन गीत बजा रहे हैं तो उसमें ये धुन आसानी से बजा सकते हैं। उसके बीच में स्केल पहली काली, स्वर मैंने बता दी सारे गा पा धा सा, सभी शुद्ध स्वर हैं। रे तक लिया है, दो फिरे जैसे सारे गा पा धा पा गा पा धा पा गरे सा। ये सा के ऊपर मैंने 3 मात्रा विश्राम किया है, सारे गा पा धा पा गा पा धा पा गरे सा। ये पहला फ्रेज है, 2 बार बजाना। ये पहला फ्रेज हो गया आपका। अब देखें दूसरा फ्रेज। दूसरा फ्रेज मैंने बजाया पा से, पधा साधा रे साधा पा, पधा साधा रे साधा पा, पधा साधा रे साधा पा। 2 बार बजाया, पदा साधा रे साधा पा, पदा साधा रे साधा पा। ये 2 बार डबल, पदा साधा रे साधा पा, पदा साधा रे साधा पा, धा पा गरे सा। ये दूसरा फ्रेज है। और फिर लास्ट में गरे सा जो आया है उसमें सा के ऊपर 3 मात्रा काल ठहराव देना। दूसरा फ्रेज, ये आपके दोनों फ्रेज बन जाते हैं। दोनों फ्रेजों को एक बार मैं बताता हूँ कैसे बजाना। सारे गा पा धा पा गा पा धा पा गरे सा, सारे गा पा धा पा गा पा धा पा गरे सा, पदा साधा रे साधा पा, पदा साधा रे साधा पा, धा पा गरे सा, पदा साधा रे साधा पा, पदा साधा रे साधा पा, धा पा गरे सा। लास्ट में भी सा के ऊपर 3 मात्रा बढ़ाना है। ये 2 बार बजाया है मैंने, दोनों फ्रेज 2-2 बार बजाए। और दूसरा फ्रेज बजाने के बाद पहला फ्रेज को आप फिर रिपीट कर सकते हैं। तो ये धुन आप आसानी से बजाना सीख सकते हैं, अच्छी धुन है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो आप अवश्य लाइक किया करें और कमेंट्स में बताया करें कि ये वीडियो कैसा लगा, धुन कैसी लगी आपको। एक बार पुनः ताल के साथ बजा के बताता हूं।
दोस्तों, इस तरह से आप कई गीतों के बीच में बजा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।